तो यहाँ पे हमको हो गया ब्लॉकेज रास्ता, देख सकते हैं इतना बड़ा एक पेड़ जो है एक तूफान आंधी की वजह से गिरा हुआ है। दोस्तों देख सकते हैं हम लोग को यहाँ गौर दिखाई दिया है, इंडियन गौर है बाबा, साइड से निकालना ना आराम से, ये एग्रेसिव भी हो सकता है, कुछ बोला नहीं जा सकता। ये देख सकते हो ये है इंडियन गौर। दोस्तों यहाँ हम लोग को मधुमक्खी तो वो मिला ताजा है रे बाबा। क्या आपने कभी ऐसा लिजर्ड देखा है? बहुत ही अजीब दिख रहा है और इसका साइज भी बड़ा है और बहुत आलसी है। अरे इसके दो पूंछ हैं बाबा। ट्राई वेल सीजन 2 का यह आखिरी एपिसोड है जिसमें हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत जंगलों का दृश्य, रात्रि में जंगल में कैसे सफर करें, इन तमाम चीजों के बारे में इस एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं। जब भी जल्दी करने का रहता है हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता है। दोस्तों नमस्कार, मैं कौशल गोस्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हमारा गाड़ी ख़राब हो चुका है, हम जा रहे थे आज नाइट स्टे के लिए एक बहुत ही खूबसूरत जगह में, जहां का जो सनसेट है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही शानदार है। तो ये सारे चीज़ आज आपको दिखाने वाले हैं, मे बी शायद तक अभी भी हमें नहीं पता। हमारा गाड़ी बंद हो चुका है और अभी हम लोग बाइक में हैं, दो और बाइक में अलग अलग जगह अलग अलग लोग हैं हमारे टीम के, और कार में देखते हैं किसे संपर्क हम कर सके। तो फिलहाल आप बने रहिए, काफ़ी मज़ेदार वीडियो होने वाला है। चालू हो गया है और हम फिर से हमारे सफर के लिए निकल पड़े हैं, जिसका ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है। वो तो जंगल में हम लोग घुस गए हैं, गांव वाला जो रास्ता है वो ख़त्म हो गया है, अब घनघोर जंगलों के बीच में हम जा रहे हैं। बहुत ही खतरनाक जंगल है ये, आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना डेंस फॉरेस्ट है, पर बहुत खूबसूरत भी है। देख सकते हो मोर दिखाई दे रही है, बहुत खूबसूरत मोर है, क्योंकि मोरनी है मोर। में लिखा हुआ है हाथी प्रभावित क्षेत्र और बांस के घने जंगलों में है। दोस्तों तो बड़े ही दुख के साथ मेरे को सूचित करना पड़ रहा है कि सन जो सेट होने वाला था हमारे रीचिंग पॉइंट पर, बट वो यही हो गया, हम लोग सही समय में नहीं पहुंच पाए। देख सकते हो सूरज डूब रहा है अभी, और हम चाहते थे कि आपको वहाँ दिखाएं लेकिन सुबह का सनराइज़ दिखाएंगे, सनसेट ना सही सनराइज़ देखिएगा, उस जगह का सनराइज़ भी काफ़ी खूबसूरत है। दिखाया है जिसे भालू या सुअर के द्वारा बनाया गया होगा और एकदम ताज़ा है, एकदम फ्रेश। तो यहाँ होगा भालू या सुअर, यहीं आसपास में होगा। अभी विवेक लोग को आने देते हैं फिर बताते हैं। ये अभी का है? अभी का है? कौन गीला गीला दिख रहा है? हाँ, क्या क्यों खोद रहे था? वो कुछ कांदा या फिर कुछ निकालने के लिए ऐसे कुछ रहता है, बीच रोड को खोद रहा था। यहाँ पे आवाज़ सुनिए, बहुत ही खूबसूरत चिड़िया लोग का आवाज़, डिफरेंट डिफरेंट चिड़िया लोग का आवाज़ आ रहा है। दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन पर, जो सनसेट है वो फाइनली पूरा सेट हो चुका है हमारे पहुंचने से पहले ही। तो अब सनराइज ही है बचा हमारे पास, और रात का जो थ्रिल और रोमांस और मजा है वो तो आप बने रहो, अभी तो वीडियो चालू हुआ है। आप देख सकते हैं हम लोग जहाँ रुके हैं कुछ इस तरह से नज़ारे हैं चारों साइड से, बट अंधेरा हो जाने के कारण से फुल जेस्चर है, डॉटेड डॉटेड पूरा एकदम बेकार से दिखाई दे रहा है, लेकिन हम लोग जो आँखों से देख रहे हैं उसका आनंद ही कुछ और है। आई थिंक सन इधर सेट हुआ था, इधर डूबा था इस डायरेक्शन में, इधर अभी भी लालिमा है और मस्त दिखाई दे रहा है चारों साइड से। और ये एक वॉच टावर है, इधर पहाड़, इधर बाकी हमारे साथी लोग पड़े हुए हैं।
भाइयों हम लोग अभी स्टार गेजिंग कर रहे हैं, देख सकते हो अभी एक बाबा के डीएसएलआर में बाबा का एक बाबा कर रहे हैं। और यहाँ पे सभी के सभी लोग जगे हैं, रात के तकरीबन 12:30 से 1 बजे का है। और इधर आपको आसमान में मैं भी कुछ नहीं दिखाई, मैं भी क्या दिखाई नहीं दे रहा मेरे को, लेकिन इसमें आपको दिखेगा। अभी एक फोटो और क्लिक करेंगे तो अपन थोड़ा सा लाइट फ्लैश बंद रखेंगे, है ना बाबा? बंद कर दो, कर दिया, चलो खींचो। रेडी रेडी, तो ये हम लोग कर दिए हैं बाबा को, जिसमें जो गार्ड भीड़ आते हैं पता नहीं क्या है, थोड़ा टाइमिंग का कुछ खेल है। और उधर सामने में मिल्की वे है, वो दिख रहा है आंखों से, इसमें नहीं दिख रहा है, बादल है, मेरे को भी लग रहा था क्लाउडी क्लाउडी जैसे दिख रहा है। ये आ गया, ओपे तेरी, वाओ दोस्तों देख सकते हो। रुको अब अपन लाइट चालू कर देते हैं, लाइट में नहीं दिखेगा बाबा, नहीं आएगा दोस्तों। मैं एक इमेज को ही डाल दूंगा, ये इमेज को आप देख लेना, ये इमेज को देख लेना, बेहतरीन यार। नारा नारा ना, ओहो देखो दोस्तों, देखो 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 देखो, वाह यार विवेक बाबा कहाँ है आपका चेहरा, मजा आ जा रहा है। खुशी में बैग पैक करो, चलो निकलते, चलो निकलेंगे। अब हम लोग का नाइट सफर चालू हो गया, चलो हो गया। एक कार हम नागौर में, एक बाइक में, दो जने पीछे रहोगे कि एक जने? दो लोग पीछे रहेंगे, हम टीम का अगुवाई कर रहे हैं। तीन बाइक है और एक कार है, हम फ्रंट में हैं। ये सुअर का काम है ना ये? सुअर का, हाँ वो आज जब आए तब देखे थे हम लोग सुअर। तो रात सफर कुछ इस तरह से होता है दोस्तों, हमें भी नहीं पता क्या दिखने वाला है। हमको हो गया ब्लॉकेज रास्ता, देख सकते हैं इतना बड़ा एक पेड़ जो है एक तूफान आंधी की वजह से गिरा हुआ है। अब ये हम यहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अब हमको वापस जाना पड़ेगा। और जो मेरा आगे टर्निंग था जस्ट, हाँ मेरा जो प्लान नंबर ये था जाके सोना, वो सबसे बेस्ट है। बहुत दूर आ गया था ना, हाँ दोस्तों। यहाँ पे हम लोग को एक विचित्र प्रकार का लिजर्ड का प्रजाति देखने को मिला है, बता रहे हैं कि ये जहरीला होता है। आप देख सकते हैं, क्या आपने कभी ऐसा लिजर्ड देखा है? बहुत ही अजीब दिख रहा है, इसका साइज भी बड़ा है और बहुत आलसी है। अरे इसके दो पूंछ हैं बाबा, दो पूंछ हैं। मेरे ख्याल से वो बाबा ऐसा होगा कि वो ये देखो दो पूंछ हैं, कि अपना पहला पूंछ छोड़ रहा है और दूसरा पूंछ, नहीं दोनों यंग हैं, देखने में भी काफी खूबसूरत है। इसका मैं एक पिक भी ले लेता हूँ दोस्तों। यहाँ हम लोग को मधुमक्खी तो वो मिला, ताजा है रे बाबा, ये है पेड़ देखो ना। अपने पास नाइफ वगैरह नहीं है ना, साइड का तो पूरा चूस लिया ना, चीटी खा गया है, नहीं लग रहा है, थोड़ा मुंह से एकदम इसको तोड़ो तो, हाँ टुकड़ा करो, थोड़ा मुंह से ये पूरा चूस लिया है, अरे चूस लिए। तो यहाँ भालू भी हो सकता है, ये था कहाँ पर? ये जस्ट यही ऊपर में होगा, ये वाले डाल पे। हाँ चलो, रहा होगा तो गिरा भी होगा ना कहीं पास, ये साला करी भागो भागो, मेरे को पकड़ भी रहा। ये देख दोस्तों, देख सकते हैं हम लोग को यहाँ गौर दिखाई दिया है, इंडियन गौर है बाबा, साइड से निकालना ना आराम से, एग्रेसिव भी हो सकता है, कुछ बोला नहीं जा सकता। ये देख सकते हो, ये है इंडियन गौर, वाह यार, इसका झुंड भी हो सकता है यहाँ आस पास,
ये तो और बड़ा रहता है एकदम। हाँ ये थोड़ा वीक भी है। 14 एपिसोड का यह ट्राइब व्हेल सीजन 2 सीरीज यकीनन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अगर आपको अच्छा लगा है, आप चाहते हैं कि इसी प्रकार के हम लगातार सीरीज बनाते रहें, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल और ऑल को प्रेस कीजिए ताकि आप तक हमारे सभी नोटिफिकेशन पहुंच सकें। जल्द ही जसपुर सीरीज चालू होने वाला है, आप हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।